हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक मैंने रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म से लिया है, जिसका टाइटल है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये टॉपिक आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊंगी, उसके बाद एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, दिस टॉपिक आई हैव चूजन फ्रॉम रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रोमांटिसिज्म, व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म वॉज अ लिटरेरी मूवमेंट। ये एक मूवमेंट था, एक रेवोल्यूशन था, जो कब स्टार्ट हुआ था, लेट 18th सेंचुरी में, और कब तक चला, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी तक इसका पीरियड चला। तो रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उनका जो लिटरेरी वर्क पे जो फोकस था वो किस पर था, इंडिविजुअलिटी पे, सब्जेक्टिविटी पे, नेचर पे। मतलब जो रोमांटिक पीरियड के राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन्होंने आम इंसान पर फोकस किया, मतलब जो कॉमन पीपल है उनके इंटरेस्ट पर फोकस किया। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखना शुरू किया। तो इस वजह से उन्होंने अपने लैंग्वेज पे ध्यान दिया कि ताकि लैंग्वेज इतना सिंपल हो कि एक कॉमन पीपल भी, एक कॉमन मैन भी समझ सके, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर हो वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, एक आम इंसान के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो इस रोमांटिसिज्म की शुरुआत किससे हुई थी, इसको किसने इनिशिएट किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये दोनों ही रोमांटिक पीरियड के पोएट थे। तो इन्होंने मिलकर द लिरिकल बैलेट्स लिखा था। ये लिरिकल बैलेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798। तो लिरिकल बैलेट के सारे पोएम्स जो है वो रोमांटिक पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट क्या है, पहले प्रीफेस का मतलब समझते हैं। प्रीफेस मतलब होता है अ रिटन इंट्रोडक्शन टू अ बुक दैट एक्सप्लेन्स वॉट इट इज अबाउट और वाई इट वॉज रिटन। तो प्रीफेस क्या है, किसी भी बुक का एक इंट्रोडक्शन होता है जो बताता है कि ये बुक किसके बारे में है, किस टॉपिक पे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। तो वैसे ही द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट किसका प्रीफेस है, द लिरिकल बैलेट का। तो ये द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने क्रिटिकल स्टेटमेंट दिए, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, किसको क्रिटिसाइज किया है, पोएट्स को क्रिटिसाइज किया है, उनके पोएम्स को क्रिटिसाइज किया है। और वो बताते हैं कि एक पोएम कैसा होना चाहिए, एक पोएट कैसा होना चाहिए। वो पोइट्री को आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग से फ्री करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पोइट्री ऐसा हो जो कॉमन पीपल भी उसे पढ़े, समझे, अच्छा लगे उनको भी, और वो अपने आप को रिलेट कर पाए। सो द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज अ क्रिटिकल स्टेटमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हु वॉन्टेड टू फ्री पोइट्री फ्रॉम एन आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ब्रिंग इट नियरर टू लाइफ, टू द कॉमन पीपल। तो फ्रेंड्स, अब तक जो मैंने आपको समझाया, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द हर्बिंजर ऑफ रोमांटिसिज्म इन द 19th सेंचुरी। हर्बिंजर मतलब किसी चीज की नई शुरुआत होना। He along with Samuel Taylor Coleridge initiated romantic revival. The publication of the lyrical ballad, a joint venture by Wordsworth and Coleridge, is a milestone in the history of literature. The lyrical ballad was a collection of poems and it was published in the year 1798 under the title Lyrical Ballads. The preface to Lyrical Ballads is an essay composed by William Wordsworth. It has come to be seen as a manifesto to the romantic movement. तो manifesto का क्या मतलब है कि कोई भी चीज जो है publicly declare करना। तो इस manifesto में 4 guidelines थे। तो ये guideline किसके ऊपर था कि कोई भी poetry कैसी होनी चाहिए। तो ये William Wordsworth ने अपने preface to lyrical ballads में लिखा था कि कोई भी poem या पोइट्री कैसी होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। मतलब ऑर्डिनरी लाइफ, जो कॉमन पीपल की लाइफ होती है, अगर उसको, उस पर हम पोइट्री लिख रहे हैं तो वो एक बेस्ट सब्जेक्ट होगा। फिर दूसरा है एवरीडे लैंग्वेज को यूज करना, एक सिंपल लैंग्वेज को यूज करना, ताकि रीडर्स को पोइट्री जो है वो अच्छे से समझ में आए, वो रिलेट कर सके। देन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट।
यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन भी किया है. वो बोलते हैं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो इस डेफिनेशन का मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगी. तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में क्या सब्जेक्ट है, मतलब क्या कंटेंट है, वो फोर हेड्स में यहाँ पे डिवाइडेड है. तो पहला है व्हाट इज पोएट्री, मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया है कि एक पोएट्री क्या होता है. और फिर दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट, मतलब एक पोएट कैसा होना चाहिए. देन वैल्यू ऑफ पोएट्री एंड द लास्ट द क्वेश्चन ऑफ पोएटिक डिक्शन. अब हम इसको चारों को एक एक करके समझेंगे. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री गिवन बाय वर्ड्सवर्थ. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. तो spontaneous का क्या मतलब होता है? Automatic, मतलब कोई भी चीज naturally तुम्हारे अंदर आ जाए तो उसको बोलते हैं spontaneous. Something which naturally come to you because of emotion and powerful feeling. तो इस definition को हम दो part में समझेंगे. तो पहला part है, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. तो यहाँ पे Wordsworth कह रहे हैं, एक अच्छी poetry लिखने के लिए पोएट के अंदर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए इमोशंस का और फीलिंग्स का, तभी जाके वो एक अच्छी पोएट्री लिख सकते हैं. फिर दूसरे पार्ट है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कामनेस, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, या फिर कोई जब रेस्ट करता होगा तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी. तो फर्स्ट पार्ट में वर्ड्सवर्थ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं. तो ये जो ओवरफ्लो है फीलिंग्स का, इमोशन का, कहाँ से आएगा? पहले उसके लिए हमारे दिमाग में कोई पिक्चर होना चाहिए. तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ वही कह रहे हैं कि जब पोएट कोई चीज़ को ऑब्जर्व करता है, कोई नेचुरल चीज़ को, जैसे कि ट्री को, बहते हुए पानी को, किसी लड़की को, तो जब ऑब्जर्व करता है तो वो पिक्चर उसके दिमाग में फिट हो जाता है, सेट हो जाता है. फिर जब वो कहीं आराम करता होगा, जब रेस्ट कर रहा होगा एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, तो वही सारे पिक्चर्स को वो रिकॉल करेगा, रिकलेक्ट करेगा. और फिर जब पोएट्री लिखता रहेगा तो वो स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर वो फीलिंग्स और इमोशन आएगी और एक अच्छा पोएट्री वो लिख पाएगा. सो व्हेन वर्ड्सवर्थ सेज दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट इज क्लियर दैट पोएट्री इज अ मैटर ऑफ मूड एंड इंस्पिरेशन. और वो इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिलती है? जो वो इमेजेस उनके दिमाग में ऑलरेडी है. Poetry evolves from the feeling of the poet. There is a spontaneity in the expression of the feelings. Powerful feelings and emotions are fundamental. Without them, a great poetry cannot be written. In tranquility, he recalls his emotions. The emotions are made into a poem with the help of images of those things in nature which arose the poet's इमोशन. तो जब ट्रैंक्विलिटी में पोएट बैठा होगा, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठा होगा, रेस्ट के मूड में बैठा होगा, तो उसके दिमाग में जो ऑलरेडी जो इमेजेस है नेचर को लेके, वो जब रिकॉल करेगा तो उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशन का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होगा. तो फ्रेंड्स, अब तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो अब देखते हैं एक पोएट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. Firstly, he should be exceptionally sensitive and more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. Poet को कैसा होना चाहिए? Extremely sensitive. Sensitive मतलब जो किसी की भी feelings को अच्छे से समझ पाए, जो conscious हो किसी की feelings को लेकर. और साथ ही साथ poet को comprehensive होना चाहिए, मतलब उसके जो भी वो topic पे लिख रहा है, जिस भी subject को choose किया, उसका complete knowledge होना चाहिए. Then secondly, he should be a man speaking to man. That is to say, poetry is not merely self-indulgence and that the poet is a social being with responsibility. तो यहाँ पे man speaking to man का क्या मतलब है? कि poet को ऐसे language में लिखना चाहिए, ऐसा लगे कि वो सामने जो भी रीडर है, जो पढ़ रहा है, वो उससे डायरेक्टली बात कर रहा है. मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में वो पोयम लिखना चाहिए, और साथ ही साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर उसे पोयम लिखना चाहिए. थर्डली, द पोएट शुड एंडाउड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन सो दैट ही इज अफेक्टेड बाय एब्सेंट थिंग्स एज इफ दे वर प्रेजेंट. तो पोएट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की, तब जाके पोएट उस चीज को भी फील कर पाएगा जो प्रेजेंट नहीं है, जो एब्सेंट है. कैसे कर पाएगा? अपने इमेजिनेशन से. द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ
पोएट्री, पोएट्री की क्या वैल्यू होती है, पोएट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये भी उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में लिखा है। द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ पोएट्री इज टू मेक रीडर्स सेंसिटिव एंड ह्यूमन। तो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है पोएट्री का, कि वो रीडर को क्या बना दे, सेंसिटिव बना दे, ह्यूमन मतलब काइंड बना दे, काइंडनेस। पोएट्री डज नॉट मियरली प्रोवाइड प्लेजर बट टीचेस मॉरल एंड फिलोसफिकल वैल्यूज टू रीडर। तो पोएट्री क्या प्रोवाइड करता है, एक मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करता है, मतलब रीडर्स के अंदर ये बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, फिर फिलोसफिकल वैल्यूज मतलब लाइफ को और अच्छे से समझने का, उसे जानने का तरीका बताता है। देन पोएट्री कैन रिफाइन एंड रीजनरेट मैनकाइंड, पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। देन विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट एवरी पोएट हैज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन कल्चर थ्रू हिज पोएट्री। तो सारे पोएट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन कल्चर को स्ट्रेंथन करे और प्रमोट करे अपने पोएट्री के थ्रू। तो लास्ट टॉपिक है पोएटिक डिक्शन। तो डिक्शन का क्या मतलब होता है, चॉइस ऑफ एंड यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बदले आप लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, कि ऐसा चॉइस ऐसा यूज ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए कि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर सके, जनरेट कर सके। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं कि पोएम का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो रीडर्स के हार्ट को टच कर सके, वो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए कि एक कॉमन रीडर भी अगर उसे पढ़ रहा है उस पोएम को तो उसे भी समझ में आ जाना चाहिए। सो द पोएटिक डिक्शन इज द एसे एज सजेस्टेड बाय वर्ड्सवर्थ अप्लाइज दैट रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, ही हैज सिलेक्टेड इट टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट इट विद अदर मैन एंड कॉमन पीपल। तो वर्ड्सवर्थ पोएट को क्या बोल रहे हैं कि वो अपने पोएट्री में एक रियल लैंग्वेज का यूज करे, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन मतलब एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ही फर्दर एड्स दैट द सिलेक्शन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज कैन एड विविड सेंसेशन एंड प्लेजर। तो अगर एक कॉमन लैंग्वेज यूज होगा तो वो क्या ऐड करेगा पोएट्री में, एक सेंसेशन, एक प्लेजर, ताकि जो पढ़ रहा है उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आए। एज ईच एंड एवरी पोएम हैज इट्स ओन पर्पस टू शेयर एंड इवोक प्लेजर टू द रीडर्स। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज्ड न्यू क्लासिकल राइटर्स सच एज ड्राइडन एंड पॉप फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज। तो इन्होंने ड्राइडन और पॉप को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, मतलब बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज जो एक कॉमन इंसान नहीं समझ सकता। देन ही बिलीव दैट फिगर ऑफ स्पीच शुड बी ऑर्गेनिक टू अ पोएम, मतलब फिगर ऑफ स्पीच अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल तरीके से यूज करना है, जबरदस्ती नहीं, खाली पोएम को सजाने के लिए नहीं, उसको ऑर्नामेंट की तरह यूज नहीं करना है, जहां उसकी जरूरत हो तभी यूज करो। तो चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आपको आंसर सेम लिखना है। तो यहाँ मैंने 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, आपको आंसर सेम लिखना है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। How does Wordsworth's preface react to concern of neoclassical writing? Discuss Wordsworth's view of poetic diction. In his preface, Wordsworth has broken new ground in the way literature is to be understood. Comment. Bring out the main features of Romanticism with particular reference to Wordsworth's preface. Do you think that Wordsworth establishes a new poetic theory? What are the main features of his theory? Consider Wordsworth's preface to lyrical ballads as the manifesto to romantic literature. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।